गौरक्षक के नाम पर गरीब दलित और मुसलमानों के गाय जब्त कर गौशाला के जरिए दूसरे शहरों में बेचा जा रहा है। हर साल खासकर बकरीद के करीब गौरक्षक के भेष में आरएसएस और संघ परिवार के गुंडे गरीब किसानों के गाय बैल उठाकर ले जाते हैं और खुद उन्हें दूसरे शहरों में बेचने का काम करते हैं। ऐसा ही एक मामला गुलबर्गा शहर में पेश आया है। साल 2022 में उस वक्त के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर अरुण कुमार मुरगुंदी की मौजूदगी में खेतों में बंधे गाय जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया था। जावेद नामी किसान के खेतों से पालने के लिए लाए गए कुल 26 गायें उठा ली गई थी। जावेद के अलावा दीगर कई दलित मुस्लिम किसानों के खेतों से जानवर जबरदस्ती उठाकर बेच दिया गया है। इस मामले में दलित सेना ऑर्गेनाइजेशन से हनुमंत एलसंगी एंड टीम लगातार इस केस को फॉलो कर रही है। हनुमंत एलसंगी ने इस मौके पर कहा, गौरक्षा के नाम पर गौशाला के जरिए गायों को बेचने का बड़ा बिजनेस चल रहा है। जावेद नामी किसान के 26 गायें जबरदस्ती ले जाने पर कोर्ट में यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर अरुण कुमार मुरगुंदी के खिलाफ केस बुक किया गया था। कोर्ट में हनुमंत एलसंगी ने यह साबित किया है कि जावेद नामी किसान के खेतों में दूध बेचने के लिए गाय बकरियों की परवरिश की जाती है। हनुमंत एलसंगी का यह आरोप है कि जावेद के खेत से जब्त किए गए कुल 26 गायों को सर्कल इंस्पेक्टर अरुण कुमार मुरगुंदी और गौरक्षक ने मिलकर बेच दिया है। इस मामले में दलित सेना ऑर्गेनाइजेशन से हनुमंत एलसंगी, अशरफ अली और किसान जावेद ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. 11/5/2023 same janwara, yehi janwara, ye tuberculosis yani TB se mara ho bolke ye doctor mahashay ne report daalta, postmortem report taiyar karta, aur yehi janwara, yehi same report 27/11/2023. इसमें यही जानवर है, दूसरा कोई नहीं है, सेम जानवर वही है। ये जानवर को इसने लिखता पोस्टमार्टम काज ऑफ डेथ था, हाँ ये क्या न्यूमोनेटिस यानी रक्तहीनता, न्यूमोनिया, ये लंग्स प्रॉब्लम से डेथ होगा बोल के उसने रिपोर्ट तैयार किया था। यानी ऐसा गोलमा ले लो डॉक्टर एंड ये दोनों ईयर रिंग अलग है, इसका ईयर रिंग अलग है, लेकिन जानवर एक ही है। ये एक मरता है कि ट्यूबरकुलोसिस है और एक मरता है न्यूमोनिया से, एक मरता है ट्यूबरकुलोसिस, एक मरता दो 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 जानवर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी करते ये डॉक्टर। अब जो आईएएस ऑफिसर है वो आ रहे बोल के एक ही दिन रिपोर्ट रेडी करके लाए थे। ऐसा गोलमाल ये गौशाला में हो रहा है। सबको जय भीम। मैं हनुमंत एलसंगी, दलित सेना स्टेट प्रेसिडेंट। हम अभी यहाँ कालगी जो तालुक है, तालुक प्लस रोगी जो विलेज बगल में है, रेवण सिद्धेश्वर गौशाला है। इधर यहाँ इधर इस गौशाला में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी इंस्पेक्टर, जो पहले के इंस्पेक्टर था अरुण कुमार मुरगुंडी, जो आरएसएस में जो ट्रेनिंग लेकर आए थे, उस अरुण कुमार मुरगुंडी संघ परिवार के ऑफिसर, उसने ये हमारा मोहम्मद जावेद बोल के एक फार्मर है, ये रईत है, उनके खेत में घुसकर 2/7/2022 को उनके खेत में घुसकर जो उसके जो ऐसा जो खेत है, खेत के अंदर जो जानवर चारने का जो जगह है, वहां से 26 गाय लेकर आता हूं, 26 जो दूध देते थे ऐसा गाय लेकर आता। वो खुद वो मोहम्मद जावेद बोलता है कि साहब हमारा हम खुद का घर का है, मत लेकर जाओ। बोले तो तुम ये जानवर, ये गाय जो है और बहुत सारे भैंस थे उधर और जानवर और खेत चारने वाले, चारने के लिए कुछ एक्सेस थे, सब उसमें से 26 सिलेक्टेड काउज उसने लेकर आए थे सीज करके। ये क्राइम नंबर 151/2022 में फॉल्स कंप्लेंट करवा के वो जानवर ये इधर ये गौशाला यहाँ रेवण सिद्धेश्वर गौशाला में शिफ्ट किया बोल के उसने बोला था। तो इस मैटर को हमने ऐसी कोर्ट में गुलबर्गा अस्टेंट कमीशन कोर्ट में हमने आप पेटिशन फाइल किए थे। तो हमारे जानवर ये लोग सीज किया हमें दे बोल के, तो एसी कोर्ट ने क्या किया, एसी गुलबर्गा, ये जानवर छोड़ने के जो अपना ये पावर नहीं है, आप मैं रिजेक्ट करता हूँ, बोल को रिजेक्ट कर दिए कि खाली हमने एसी का पावर है जो जानवर के साथ कोई व्हीकल पकड़ा जाता, व्हीकल सीज कर दे उस टाइम हम वो छोड़ सकते, लेकिन जानवर के लिए हमें पावर नहीं बोल के वो हमें रिजेक्ट कर छोड़ दे। ये रिजेक्ट होने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा सेशन कोर्ट ऑर्डर करता है कि इनका जो आइडेंटिफाई करो और मोहम्मद जावेद का जो जितना भी जानवर है, 26 जानवर है, वो जानवर को आप रिलीज करो बोल के ऑर्डर करने के बाद हमने इंस्पेक्टर
वरुण मुरगुंडी अंड पूरा एसी गुलबर्गा अंड याकीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शेडम शेडम एसी ये लो पूरा टीम हम आए थे इधर। हम आने के बाद यहाँ देखे तो एक भी गाय नहीं है उधर, एक भी नहीं है। फिर हमने गुलबर्गा कमिश्नर गुलबर्गा एंड एसपी गुलबर्गा एंड डीसीपी गुलबर्गा सबसे हमने मेमोरेंडम दिए, देखो साहब हमारे गाय हमारे जानवर को इलीगली डिटेन करे, इलीगली ये सीज करके आप लेकर गए थे, कोई गौशाला में रखे बोले थे, एक भी हमारा गाय नहीं है। हम जो पाले हुए जो दूध के लिए रखे थे वो हमें दे बोल के हमने यीशु को दिए, सब सब दिए। मेमोरेंडम देने के बाद फिर वो कुछ नहीं किया, हम आज देते कल देते, वो फिर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो लास्ट तो हमें ये था कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गुलबर्गा हाईकोर्ट में। गुलबर्गा हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो जो ऑफिसर है उनको लेकर लेकर आके तुम जाओ साथ में मिलकर एंड एसी गुलबर्गा एंड एसी शेडम दोनों के बीच सामने रखकर आइडेंटिफाई करो बोल के। तो लास्ट दो बार हमने आए थे इधर जो हमारे जावेद को लेकर, तो यहां में है उधर। फिर हमने कोर्ट गए, फिर कोर्ट में जो अरुण कुमार मुरगुंडी जो सीज करके पकड़े गया, तो वो अरुण कुमार मुरगुंडी बोलता है कि ये नहीं हमारे उनका जानवर यही है, ये जानबूझ कर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे बोल के। फिर कोर्ट को हमने लास्ट डेट हाईकोर्ट में हमने ये किया अपडेट डाले कि ये जो अरेस्ट जो जानवर को जितना भी गांव गौ माता को जो सीज किया अरुण कुमार मुरगुंडे उनका फोटो उनका वीडियोस ये है बोल के फिर एक हमने हाईकोर्ट को सबमिट करने के बाद फिर हाईकोर्ट जो आज डेट दिए थे आज ये डेट को आज जाके जो गौशाला में जाके आइडेंटिफाई हो। तो आज एसी ऑफिस एक तहसील लगाए थे और सेडम असिस्टेंट कमिश्नर आए थे, गुलबर्गा इंस्पेक्टर भी आए थे, डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी डिपार्टमेंट भी वो लोग भी आए थे और सबके सामने और हमें जो पहले जो दिए थे जो गाय रिलीज के टाइम में जितना भी कलर का है, एक रेड कलर का, एक व्हाइट कलर के, व्हाइट व्हाइट ग्रे कलर है, ग्रे कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर, ऐसा भी जितना 26 है, हमने डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ घूमते ढूंढते एक भी जानवर नहीं है, एक भी जानवर नहीं है। तो अभी फिर हमने दो तीन बार हमने आ कर दिया और एसी आईएएस ऑफिसर है वो क्या करते देखेंगे। तो ये तो पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हमने पहले जो जानवर जो वहां से सीज करके लेकर आए थे दलित एंड मुसलमान जो भी गरीब लोग घर में घुसकर ये इंस्पेक्टर अरुण मुरगुंडे एंड कुछ लोग थे उस टाइम जो संघ परिवार की सरकार उस टाइम में बहुत गद्दार किए थे लोग और मिसयूज ऑफ पावर भी किए थे लोग। हमने बोले थे कि कंटेनर में गुलबर्गा से कंटेनर में और हैदराबाद को जानवर जा रहे गरीबों का जानवर सप्लाई कर रहे ये सीज करो ये पकड़ो बोल के हमने बोले थे। ये काउ स्लॉटर एक्ट के नाम से गरीबों को धोखा दे रहे गुलबर्गा पुलिस बल के हमने ये किए थे फिर भी ये लोग नहीं माने थे। तो अब हमारे जानवर नहीं है इधर ये एक केस का है क्राइम नंबर 150 एक ही के बहुत सारे केसेस केस रजिस्टर का बाकी सर एक ही केस का एक भी जानवर नहीं तो बाकी सारे बहुत सारे हजारों का जानवर यहां से गायब है। यानी ये गौ माता की रक्षा के नाम से ये संघ परिवार के ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट कुछ गद्दार लोग शामिल होकर जो काउ स्लॉटर जो तो हैदराबाद स्लॉटर हाउस को ये लोग डायरेक्ट सप्लाई किया है। इसके बारे में हाईकोर्ट ऑफ गुलबर्गा बहुत सीरियसली इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना और अरुण मुरगुंडे जो है इंस्पेक्टर जो पहला के यहाँ की ट्रांसफर हो गया हो ये ट्रांसफर मत करो बोल के हमने बोले तुमको उनके ऊपर क्रिमिनल केस करके अरेस्ट करके जेल में डालो बोले थे हमने। फिर भी ये नया सरकार आने पर गड़बड़ करके वो ट्रांसफर होकर कहीं दूसरे जगह पर भाग कर गया हो उनको ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन होना और हाईकोर्ट इतना ये मैटर हाईकोर्ट इस मैटर को बहुत सीरियसली लेना और कोई भी गरीब जो फार्मर से कोई जो कानून के नाम से तकलीफ नहीं देना बोल के हमने आज आग्रह करते हैं आपके माध्यम से। नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है एक ही जानवर का पोस्टमार्टम दो बार के एक 2022 में करते हैं वही जानवर वही फोटो और 2022 में वही जानवर वही फोटो और रिंगर जो ईयर रिंग है उनका नंबर अलग रहता है वो फोटो मैंने आपको दे ऐसा बहुत सारे और आपको एक गाय भेज देना वो मर गया बोल के दूसरा फोटो लगा के यही देना ये धंधा हो गया बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है गौ माता के नाम से एक गुलबर्गा में चल रहे ये हमने गुलबर्गा इंचार्ज मिनिस्टर के नॉलेज में हमने लाए और यहाँ के जो पूरा ऑफिसर थे पुलिस डिपार्टमेंट सबको हमने नॉलेज में लाए। हमने ये जो अरुण कुमार मुरगुंडे जैसा जो गद्दार पुलिस ऑफिसर थे उन लोगों को डिपार्टमेंट में नहीं रखना है सर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज हम लोग यहाँ पर आए थे रेवंत सिद्धेश्वर गौशाले को जो कि रेटकल में रेवगी में गौशाला को जो आए थे हम लोग
यहाँ पर गाय जितने भी इनके 26 गाय सीज कर लेकर गए थे यूनिवर्सिटी सर्कल, अरुण कुमार मुरगंडी जो सीज कर लेकर गए थे वो देखने के लिए हम आए थे। कोर्ट का जब ऑर्डर आया है इनके गाय रिलीज करने के लिए, 2 से 3 बार यहाँ पर आए हैं तब भी गाय अभी तक नहीं मिले, अभी भी आए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए अभी भी नहीं मिले। हमें ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर जो गाय 26 लाकर सीज करे हैं उसको जमीन खा गई या आसमान निगल गया या यहीं से कोई बेचकर खा गया, क्योंकि यहाँ पर गुलबर्गा में गाय के नाम पर गांव माता के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्मगलिंग का बिजनेस चल रहा है। गांव माता के नाम पर दलित और मुस्लिम के खेत में जाकर उनके घर को जाकर गाय लेकर जा रहे हैं, इनके खेत से गाय लेकर गए हैं, कई सारे दलित भाइयों के गाय लेकर गए हैं जो चराने लेकर जाते हैं, तुम नहीं बकरा ईद में काटने के लिए लेकर जा रहे हैं बोलकर। ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो आरएसएस माइंड, जो हिंदुत्व माइंड, जो गाय माता के नाम पर ये जो हिंदू और दलित को परेशान करने का, मुस्लिम और दलित को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं ये लोग, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। और अभी हमारे राज्य अध्यक्ष श्री हरमंत जी हलसंगी सर ने पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स है पूरे देख रहे थे, उसमें कुछ ऐसे भी गाय है जो डबल डबल पोस्टमार्टम किया है, जिसका 2022 में पोस्टमार्टम हुआ, 2023 में पोस्टमार्टम हुआ, एक ही गाय उसी का फोटो टैग नंबर अलग अलग है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, 10 गाय लाकर 8 गाय मर गए बोलकर पीएम रिपोर्ट बना रहे हैं, 8 गाय बेच कर खा रहे हैं ये लोग। तो ये इनको इंसाफ दिलाना और इनके गाय इनको दिलाना, हम उसका काम करेंगे, दिला कर रहेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हम जो भी ऑफिसर इसके पीछे है उसको डिसमिस कराकर इनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। के एसी मैडम ने हमको नोटिस भेजे थे 28 तारीख के, आज हम यहाँ पर आ गए गौशाले पे, यहाँ पे तकरीबन 100-150 जानवर थे, उसमें से मैं जानवर देखा उसके अंदर एक भी गाय मेरी नहीं है इसके अंदर, तो मैं उधर उधर देखने के बाद भी गाय मेरे नहीं मिले इसके अंदर। तो एसी मैडम उन्होंने रिपोर्ट क्या देते देखना, उन्होंने 26 गाय थे मेरे सर्कल लेके यूनिवर्सिटी सर्कल अरुण कुमार गुनगुंटी। तो दो बार आप यहाँ? मैं 4 बार आया, 2 बार सर्कल के साथ, 1 बार पहले एसी मैडम के साथ, फिर एक बार अब फिर भी आया एसी मैडम के साथ, फिर 4 मरतबा आया मैं यहाँ पे, 4 मरतबा आया तो मेरे यहाँ कुछ मेरे गाय मिले नहीं यहाँ पर 26 गाय। कहाँ गए, क्या लगता? कहाँ गए तो कुछ रिपोर्ट खाली ये बोल रहे, तो मैं आपको देख रहे नहीं गाय यही छे बोल रहे, उन्होंने मैं 4 बार देखे मेरे गाय मेरे को मिल रहे नहीं यहाँ पे। आज तो ऑफिसर के साथ आए थे, आज मैं आने के बाद भी आज भी मेरे को देखा तो आज भी मेरे गाय नहीं है यहाँ। उम्मीद है साहब इंसाफ मिलेगा मेरे को, क्योंकि 2 साल से मैं फिर रहा हूँ, मेरी कोशिश पूरी, मेरी टीम साहब भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी कोशिश। अब हमको लगता है बेचको खाई साहब, उन्होंने तो हमारे गाय रहे, तो हम पहली टीम में आते हम जब का जब मिला उनको हम लेके जाते थे, हम 14 मरतबा क्यों आते थे यहाँ तक। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.